नमस्कार दोस्तों आज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है मैं डॉक्टर मनमोहन शुक्ला होम्योपैथी प्रैक्टिस करता हूँ आज हम मदर टिंचर सीरीज में आपको बताएंगे राउलफिया सरपेंटाइना के बारे में ये बहुत ही अच्छी दवा है प्रत्येक होम्योपैथी अपने क्लिनिक में इसको यूज करता है और इसका क्या क्या यूज है क्या किस डोज में लेना है और किन किन मरीजों पर इसका आराम दिखता है क्लिनिकल प्रैक्टिस जो मैंने देखा है तो उसके बारे में मैं आज आपको चर्चा करूँगा सबसे पहला इसका रोल जो है वो हाई बी ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना नींद का ना आना और सर दर्द इन तीनों में ये काफ़ी अच्छी कारगर मद टिंचर दवा होती है बीपी बढ़ जाना और कभी भी आर्टरी आर्टरी जो होती है उसे ब्लॉक ना होना उस सिम्टम्स के अनुसार भी हम इसको यूज कर सकते हैं नींद ना आना नर्वस काफ़ी चौचड़ापन होना उस समय पेशेंट को हम ये रउल्फिया सरपेंटाइना मदर टिंचर प्रिस्क्राइब करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी दवा है ब्लड प्रेशर के लिए नींद लाने के लिए और सिडेशन के लिए मतलब हाइपरटेंशन, टेंसन और सिडेटिव बहुत ही तीनों सिम्टम्स में ये बहुत ही अच्छी कारगर दवा होती है पंद्रह से बीस बूंद दिन में दो से तीन बार एक कप पानी के साथ आपको लेने से काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है अगर आर्ट्रीज में ब्लॉक होता है तो वहाँ पे हम क्रेटगस मदर टिंचर यूज करते हैं क्रेटगस मदर टिंचर पर मैंने वीडियो बनाया है अपलोड किया है तो प्लीज़ उसका आप देख लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल में क्रेटगस मदर टिंचर जहाँ पर आर्ट्रीज में ब्लॉकेज होने लगता है कोलेस्ट्रॉल का वहाँ पर हम क्रेटेगस मदर टिंचर यूज करते हैं होमोपैथी की बहुत सी बुक्स में ये भी लिखा है कि तीन मदर टिंचर का यूज करने से काफ़ी हद तक किसी भी तरीके का ब्लड प्रेशर होता है तो आराम मिल जाता है राउुलफिया वन पार्ट वन पार्ट मदर टिंचर क्रेटगस का और टू पार्ट या थ्री पार्ट आपका पैसीफ्लोरा मदर टिंचर जो नींद के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है तो टेन एम एल आपका रोल्फ़िया टेन एम एल और थर्टी एम एल आपका पैसीफ्लोरा वन वन थ्री ये रेशियो में मदर टिंचर लेने से आपको मिला लीजिए और कैसे भी तरीके का बीपी है ये क्लिनिकल बुक्स में लिखा हुआ है तो काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है बेसिकली आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल दवा देने के बाद ये मदर टिंचर दूसरे या तीसरे दिन से यूज करते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल दवा तो दोस्तों जैसे आपके होम्योपैथिक डॉक्टर बताएंगे और देंगे तो वो दिन में एक ही बार सिंगल डोज दी जाती है तो उसके बाद में एक महीने तक या जब रिपीट करना है दो महीने तक एक आल्टी टू सिम्टम्स तो बीच के दिनों में ये मदर टींचर काफ़ी हद तक आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज रखता है बहुत से मरीज़ मेरे पास आते हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशनल दवा देने के बाद में मैं मदर टिंचर यूज करता हूं और उनका बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि काफ़ी हद तक उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है और जब रीडिंग दी कराई जाती है बिल्कुल और फिज़िकल और नर्वस जो उनको एजिटेशन रहता है या जो प्रॉब्लम होती है चिड़चिड़ापन रहता है घबराहट होती है छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है वो सब शांत हो जाता है कई क्लिनिकल रिपोर्ट्स में ये भी देखा गया है कि क्रटगस मदर टिंचर भी काफ़ी हद तक कोलेस्ट्रॉल को कम करने में रोहल्फ के साथ में मदद करता है तो दोस्तों ये आप अपने होमोपैथिक डॉक्टर से राय ले कर के बी के लिए आप इसको लीजिए उनसे डोज पूरी वो करिए डोज डिसाइड की जाएगी आपकी सिम्टम्स इंटेंसिटी कैसी है उस पर यह डोज डिसाइड की जाएगी उनसे पूछ करके ही ये दवा लेना है अपने आप ये कोई मेडिसिन नहीं लेना है ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए दिया है मैंने बताया है इस पर अगर ये दोस्तों आपको दोस्तों अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को बी के लिए जो मरीज़ हैं आपके दोस्त हैं नज़दीक हैं व्हाट्सएप फेसबुक उन सबको शेयर कर दें जिससे वो जानें कि बीपी के लिए होमोपैथी में भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके से दवा होती है नमस्कार दोस्तों